अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ मिक्स वेज की रेसिपी, और इसे आप पूरी, पराठा और रोटी के साथ खा सकते हो, चावल के साथ भी खा सकते हो। आपके पास जो भी वेजेस अवेलेबल हो आप इसमें डालकर बना सकते हो। ये देखिए, मैंने इसमें बीन्स ऐड किया है, हरा मटर, फ्लावर और आलू ऐड किया है। उसके बाद और उसके मसाले के लिए मैं 4 बड़े साइज़ के अनियंस को बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में, और ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है, और ये जो है किचन किंग मसाला मैंने लिया है इसमें ऐड करने के लिए। बाद में मैं बताऊंगी आपको कितना डालना है इसमें, और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है आपको इसमें। अभी देखिए आगे का प्रोसेस मैंने क्या किया है। कुकर में मैंने ऑयल ले लिया है, 4 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लीजिए अच्छी तरीके से। फिर उसमें जो हमारा प्याज आपने कट कर कर रखा वो डालिए, और उसमें नमक ऐड करिए, और उसको प्याज को जो है ना एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का ट्रांसल्यूसेंट कलर आना चाहिए उसमें। फिर उसमें हम आगे के मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए अभी मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, उसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। फिर इसमें टमाटर ऐड करेंगे, टमाटर को भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लेना है, क्योंकि मैंने चॉपर में किया था तो इसलिए जल्दी जल्दी टमाटर भी इसमें सॉफ्ट हो गए थे। आप हाथ से भी कट कर सकते हो, और एकदम बारीक कट करना है आपको। ये देखिए इस तरीके से अच्छा मिला गया। फुल फ्लेम पर मैं कर रही हूँ, फ्लेम स्लो नहीं है। और उसके बाद मैंने उसमें किचन किंग मसाला जो है ना 3 बड़े चम्मच ऐड करे थे, और लाल मिर्च का पाउडर है 2 बड़े चम्मच, और हल्दी पाउडर है। नमक तो मैंने पहले ऐड किया था। अब इसमें पानी डालकर मैं इसको थोड़ा अच्छी तरीके से भून लूँगी, और फिर उसमें जो वेजिटेबल्स है वो ऐड कर दूँगी। बहुत ही इजी है। ये कसूरी मेथी भी मैंने इसमें ऐड किया है लास्ट में, जब वेजिटेबल्स पूरे तकरीबन मैंने इसको 3 सीटी लिए थे, और 3 सीटी में जब ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से गल जाएगा तो फिर हम उसके अंदर, अगर आपको पानी रखना है तो आप थोड़ा पानी रख कर उसको थोड़ा ग्रेवी रख सकते हो। उसके बाद अगर आपको, अगर सूखा रोटी के साथ खाना है तो पानी सूखा दो उसको, पानी अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो फिर गैस बंद कर दो। 3 सीटी मैंने इसको लगाई थी, पहली सीटी जो फुल फ्लेम पर थी, बाद में 2 सीटी स्लो फ्लेम पर थी, और बहुत ही टेस्टी बना था। आप ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगा ये वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।